एक दो दिन पहले मैंने अपनी आईडी का नाम लाइन 022786 से हटाकर रिहान 022786 रख दिया था, जो कि मेरी पहले एक आईडी थी उस आईडी का नाम था और वो आईडी अभी बैन हो चुकी है। तो इस बार मैंने नाम को थोड़ा सा डिजाइन दे दिया था क्योंकि सेम टू सेम नाम नहीं रख सकते हम। फिर मुझे उस आईडी की याद आने लग पड़ी तो मैंने क्या किया, एक बार अपने आईडी को सर्च करके ओपन कर लिया जो कि सादे लफ्जों में थी, जैसे सिंपल ही रिहान 022786 था। तो मैंने क्या किया, जाके सर्च कर दिया। पहली बार मैंने सर्च किया तो आखिर में एक स्पेस रह गई थी, इस वजह से आईडी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा यार पता नहीं गेम वाले ने मुझे डिलीट कर दिया, लेकिन फिर मैंने एक बार खुद नाम खोला और एक स्पेस हटा कर देखा तो मेरी आईडी आ गई थी। तो मैंने इसे इंस्पेक्ट करके देखना शुरू कर दिया। इसको देखते देखते मैं सोचने लग पड़ा यार उस वक्त मेरी कलेक्शन कैसी होगी। तो फिर मुझे याद आया कि 2 साल पहले मेरा एक चैनल था, उसमें मैंने एक अपनी कलेक्शन वाली वीडियो डाली थी। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब को ओपन कर लिया। पहले मैंने सर्च किया रिहान भाई तो चैनल नहीं आया, फिर मैंने सर्च किया रिहान भाई 561 तो मेरा चैनल आ गया था। तो मैंने इसको ओपन कर लिया और वीडियो में जाकर अपनी ड्रेसेस वाली वीडियो देखी तो वहाँ पर पड़ी थी, जो कि मैं आपको भी अभी दिखाने वाला हूँ। तो इधर मुझे ड्रेसेस वाली वीडियो के नीचे दिख गया था यार 2 साल पहले की ये मेरी वीडियो थी और 2 साल पहले की आप मेरी कलेक्शन दे सकते थे, जो अभी मेरी आईडी बैन हुई पड़ी है। अभी वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे फुल ड्रेसेस। तो अभी यार मुझे रिक्वेस्ट भी किसी की आई थी, तो उस वक्त देखो यार कैसे रिक्वेस्ट आया करती थी और आप देखो कैसे रिक्वेस्ट आती है। तो इधर मैं आखिर में फुल ड्रेसेस भी पहनता हूँ तो मैं आपको वही सीधा दिखाऊंगा। अभी इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो इधर फुल ड्रेसेस वाली वीडियो आ गया। तो सबसे पहले तो आर्टिक ब्लू आता है और दूसरे नंबर पर ये रोबोटिक सूट आता है और तीसरे पर यह एक सूट था जो अभी भी है और उसके बाद ये मैजिक क्यूब से मैंने लिया था और ये भी सूट है और उसके बाद ये भी बोटो वाला ही सूट समझो इसको। 3 तो मैंने मैजिक क्यूब से लिए थे ये, अरे भाई चौथा भी मेरा मैजिक क्यूब वाला बंडल पड़े। वाह भाई उस वक्त देखो यार कैसी कलेक्शन थी मेरी। और ये एक बंडल तकरीबन एक इवेंट आया था उससे मैंने लिया था। अरे भाई उस वक्त तो ये भी मेरे पास हुआ करता, जो ये आजकल तो आम है लेकिन उस वक्त ये बहुत ही खास हुआ करता था। आजकल तो ये बंडल हर किसी के पास होता है। और उसके बाद मैंने चैनल पे देखा तो मुझे एक वीडियो मिली जिसमें मेरी आल गन स्किन भी थी, तो मैंने वो वाली वीडियो भी प्ले कर दी थी। तो आपको दिखाता हूँ मेरी कौन कौन सी गने थी उस वक्त, जो कि फ्री मुझे मिली थी क्योंकि मैं उस वक्त ज़्यादातर टॉप अप नहीं करता था, जो कि अभी भी मैं बहुत ही कम कर दिया जब से वो आई डी बैन हुई। उसके बाद तो मैं अभी टॉप अप करता ही नहीं हूँ, सिर्फ 20 का टॉप अप करता हूँ और 100 डायमंड क्लाइम कर लेता हूँ। और आपको भी मैं यही कहूंगा कि आप भी टॉप अप ना किया करें, अगर करना भी है तो 20 का कर लें। और अगर आपके अंदर टॉप अप वाला कीड़ा है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर आपकी भी आईडी बैन हुई है कोई तो मुझे नीचे कमेंट में बताना और दुआ करना कि ग्रैना वाले एक बार सबकी आईडी अनबैन करें जिस जिसकी भी आईडी बैन है।